चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया कि जो चिट्ठी उनकी तरफ से गई है उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे भी, किन की वजह से प्रोसीजरल लैप्स हुए ये भी देखेंगे और इसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर्स इशू करेंगे। ये जो जानकारी आई है कि विपक्ष के नेता माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी ने आपत्ति दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के नेता की चिट्ठी के आधार पर एक चुनी हुई सरकार को एक डिक्टेट इशू कर दिया कि आप उस चिट्ठी से कंप्लायंस करें। मुझे लगता है प्रोसीजरल लैप्स के अलावा एक संवैधानिक संस्था के को सबवर्ट करने की एक कोशिश है, और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने इस बात को माननीय चुनाव आयुक्त महोदय से बताया। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जिसकी लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी दंग है, घबराई हुई है, उस नाम से आम या आदमी या आम आदमी शब्द को हटाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुत्सित सोच का परिचय दे रही है, अपने संकुचित चिंतन का परिचय दे रही है, और ये साबित करती है कि उसकी सोच में न तो आम शब्द है न तो आम आदमी है, उनकी राजनीति में आम आदमी को कोई जगह नहीं है। और अगर उनके तर्क से आगे बढ़े हम तो फिर हिसाब से भारतीय या जनता शब्द का भी प्रयोग कहीं नहीं होना चाहिए, जो अपने आप में रिडिकुलस एफर्ट था उनकी तरफ से, और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की आगामी निगम के चुनावों को लेकर उनके अंदर के डर को, उनके अंदर के खौफ को उजागर करती है, जहां वो आम आदमी से घबराए हुए हैं, जहां वो आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा आम आदमी के हित में चलाए जा रहे जो नीतियां हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी का भला कर रही हैं, उनसे घबराए हुए हैं और घबरा कर इस प्रकार की कंप्लेंस कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, और 153 पार्षदों की टिकट काट के उन्होंने इसकी प्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति भी की है कि उनके पार्षदों ने निगम में 10 वर्षों तक लगातार दिल्ली की जनता को एमसीडी के जरिए लूटा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ध्यान खींचना चाहते हैं, पर ऐसा करने में वो अपने खौफ का, अपने डर का परिचय दे जाते हैं। तो हमने मांग की है, देखिए नेचुरल जो जस्टिस प्रोसेस होता है उसमें अगर आपके पास आयोग के पास कोई शिकायत आई, उन्हें लिखित में दिल्ली की सरकार को तलब करके उनका पक्ष सुनना चाहिए था, जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है न्याय की, उसके तहत भी अगर देखा जाए तो प्रोसीजरल, मैंने शुरू में कहा कि प्रोसीजरल लैप्स तो बहुत बड़ा है और जो नेचुरल जस्टिस प्रोसेस है उसको भी नहीं फॉलो किया गया है, और ऐसी स्थिति में सीधे सीधे जो संवैधानिक संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी अथॉरिटी को मिसयूज किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के, पॉलिटिकल अपोजिशन के बिहेव पर।